नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। अंबाला लोकसभा के बीजेपी उम्मीदवार रतनलाल कटारिया के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन पंचकुला में किया गया। इस अवसर पर विधायक ज्ञानचंद गुप्ता, बीजेपी महिला मोर्चा हरियाणा के उपाध्यक्ष बंतो कटारिया, लोकसभा अंबाला के प्रभारी जगदीश चोपड़ा, बीजेपी जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। पंचकुला लोकसभा के लिए खोले गए बीजेपी कार्यालय का हवन यज्ञ करने के उपरांत कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा बीजेपी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष बंतो कटारिया ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अंबाला से कांग्रेस की उम्मीदवार कुमारी सलजा एक ऐसे दल से आई है जिस दल का राष्ट्रीय नेतृत्व करने वाला फ्यूज बल्ब है और ऐसे दल के नेता और उनका कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने कहा कि सलजा 10 साल और बीजेपी के 5 साल के कामों की तुलना करके देख ले। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतेगी। पलपल पंचकुला से ये विशेष रिपोर्ट। यह बहुत ही पवित्र स्थान है जहां पर हम खड़े हैं और यहां से एक बहुत ही शुभ संदेश आने वाला है और वो ये है कि अंबाला लोकसभा हम निश्चित रूप से पिछली बार जितने वोटों से हम विजयी हुए थे उससे भी ज़्यादा 5 लाख के लगभग वोटों से हम विजयी होंगे। हरियाणा की अगर हम बात करें तो यह दीवार पर लिखी हुई इबारत है और सिर्फ जिनके राष्ट्रीय भाव की आंखें हैं वो बिल्कुल स्पष्ट पढ़ रहे हैं कि हरियाणा की 10 की 10 सीटें हम जीतने वाले हैं। और देश की बात करें तो हम 400 से ज़्यादा सीटें जीतने वाले हैं। ये निर्विवाद और शाश्वत सत्य है और ये आज नहीं तो जैसे ही परिणाम आएगा सारा देश इसको हर्ष और उल्लास के साथ स्वीकार करेगा। ये पंचकुला विधानसभा में लोकसभा चुनाव के लिए कार्यालय खोला गया है, इसके बाद कालका विधानसभा में खोला जाएगा। अपनी लोगों की 9 विधानसभा में कार्यालय खुल चुके हैं और भाजपा ने अपने पूरे तन मन धन से 12 तारीख को जो चुनाव है उसके लिए अपने कार्यालय में गतिविधि बढ़ाने के लिए और उसके लिए यह कार्यालय खुला है और पूरे जोरों से हर बूथ से लेकर लोकसभा का हर व्यक्ति इसमें रहेगा और विधानसभा का आएगा और अपने काम की गतिविधि बढ़ाने के लिए हमने ये कार्यालय खोला। कितनी सीटें मानते हैं हरियाणा में आने वाले लोकसभा? हरियाणा में वैसे तो हमारी 10 की 10 आएंगी पर हरियाणा के लिए मैं अंबाला लोकसभा की बता सकती हूँ क्योंकि हरियाणा में किसी भी लोकसभा में मैं गई नहीं हूँ। अंबाला ही लोकसभा में मेरा जमुनानगर अंबाला पंचकुला जाना हुआ है। ये हम कार्यकर्ताओं के और बूथ की जो हमारी मीटिंग हुई है, पन्ना प्रमुखों की मीटिंग हुई है, उनके भी हाँ पे कह सकते हैं कि निश्चित ही हम अंबाला लोकसभा जीते। तो अंबाला में किस तरह से